बहुत खूब बहुत खूब। बीवी की पड़े मार, पड़ोसन से हो प्यार, ट्रैफिक में फंसी कार, पॉलिटिक्स की हाहाकार, महंगाई से जाए हार और बॉस भी दे फटकार। इन सबको भी दे डाला हंसी का ही रूप, जिसने भी सुना बोल पड़ा वही बहुत खूब बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। भाई आप तो मुझे जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि मैं भी आपको ये कहने वाला हूं कि आइए मेरे साथ कहिए बहुत खूब। जिंदगी में कई लोग इस तरह के जवाब दे दिया करते हैं जिसकी आपको उस वक्त उम्मीद नहीं होती कि वो ये जवाब देंगे। जैसे हमारे एक दोस्त हैं, वो एक भिखारी से मिलते हैं। भिखारी भी कई बार परमानेंट हो जाते हैं। अगर आप एक ही चौराहे से रोज निकलते हो तो कुछ भिखारी परमानेंट हो जाते हैं। तो एक उनका परमानेंट भिखारी था। एक दिन उन्होंने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ लिया और कहा, साहब आपसे एक सवाल पूछना है। दोस्त बोले, हाँ बोलो भाई। कि आप मुझे पहले मुझे याद है इसी चौराहे से निकलते थे और कुछ साल पहले मुझे 20 रुपए देते थे, फिर आप 10 रुपए देने लगे, आजकल आप मुझे 2 रुपए दे रहे हैं, ये क्या चक्कर क्या है? वो बोले, भाई ऐसा है कि पहले मैं अकेला था, कुंवारा था, तो उस वक्त ठीक ठाक था मामला, तो 20 रुपए दे देता था। फिर मेरी शादी हो गई तो मैं 10 रुपए देने लगा, अब 2 औलादें भी हो गई है तो अब 2 रुपए से ज्यादा मैं दे नहीं सकता। भिखारी बोला, साहब आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे रुपए पे अपना खानदान चला रहे हो। तो भाई ऐसे भिखारियों के लिए एक ही चीज कही जा सकती है कि बहुत खूब। लेकिन साहब हम तो खुद भिखारी हैं, हम खुदा से भीख मांगते हैं लफ्जों की, शब्दों की, शायरी की, गजलों की, शेरों की, कि हमें यह आमद देता रहे ताकि हम आपको सुनाते रहें और आप कहते रहें बहुत खूब। लेकिन आज हमारे 3 साथी जो आके आपको सुनाएंगे और आप कहेंगे बहुत खूब। आइए सबसे पहले मिलते हैं उनसे, नीरज व्यास। स्वागत है नीरज जी आपका। आपका साथ देने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं दिल्ली से महेंद्र अजनबी। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे हमारे तीसरे खास मेहमान, एक बड़े मशहूर फिल्मी गीतकार और शायर, जलीस शेरवानी साहब। आइए जलीस भाई, तो आप तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी इजाजत हो तो हम इस महफिल की शुरुआत करें। तो एक बार मेरे साथ कहिए बहुत खूब। बहुत खूब। तो हमारे तीनों साथी हमारे साथ हैं। आइए मिलते हैं उनसे सबसे पहले, जो नागपुर से हमारे बीच में आए। आपको लोग नागपुर का मिनी अमिताभ बच्चन तो नहीं कहा करते? बोलते हैं अफ्रीका वाला। अफ्रीका वाला अमिताभ बच्चन। अच्छा 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 अच्छा। आप कॉमर्स पढ़ाते हैं और हिंदी कविता करते हैं, ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है नीरज जी? अब कॉमर्स है दिमाग के और कविता दिल की बात है, और दिल और दिमाग दोनों की बात करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कविता में जब पैसे मिल जाते हैं तो कॉमर्स तो हो ही जाता है। तो आप दोनों तरफ का कॉमर्स साथ है। नीरज व्यास जी हमारे साथ नागपुर से हैं, जो आज अपनी व्यंग कविताएं सुनाएंगे। हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नीरज जी, नीरज जी के पास जो बैठे हुए हैं, शक्ल से ही हास्य कवि लगते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हास्य कवि लगते भी हैं। कैसे मेंटेन करते हैं आप महेंद्र? नहीं, मेंटेन नहीं करना पड़ता, बस ऐसे ही रहना पड़ता है। मेंटेन नहीं करना पड़ता, बस ऐसे ही रहना पड़ता है। पर शादीशुदा भी हैं। और शादीशुदा भी हैं, जाहिर है इनके सर से लग रहा है शादीशुदा है। अच्छा है, महेंद्र अजनबी बड़ा कॉन्फिडेंट कवि है। चलिए महेंद्र, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई। बड़े मशहूर गीत है, 70 फिल्में जिन्होंने लिखी और कई गीत तो बड़े मशहूर हुए। हुड़ दबंग दबंग दबंग, हमका पीनी है हमका पीनी है, भाई कमाल के गीत लिखे जलीस शेरवानी जी ने। और बहुत सालों से लिख रहे हैं, फिल्मों में डायलॉग्स लिखते हैं, गाने लिखते हैं और बहुत बढ़िया शेर भी कहते हैं। जलीस भाई, जहां तक मेरा ख्याल है आपने जिंदगी में खुद कभी पी नहीं, फिर ये हमका पीनी है ये कैसे? ऐसा है शैलेश जी के कोई मर्डर सीन लिखने के लिए किसी की हत्या करना जरूरी नहीं। क्या है, बात है। वाह वाह। और जहां तक पीने का सवाल है, मेरी किस्मत में नहीं है। नहीं है, लेकिन आपने अपनी शायरी से जो लोगों को नशा दिया आपके गानों से, वो बड़ा कमाल का। हम आपका स्वागत करते हैं शो में। आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। तो व्यंग एक ऐसी विधा है मित्रों जो थोड़ा देर तक रोशनी करती है, थोड़ा
दूर तक रोशनी करती है, लेकिन रोशनी करती है तब बड़ी कमाल की रोशनी होती है। हाथ से तो बल्ब की तरह होता है, जला और रोशनी होगी, लेकिन व्यंग थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन जब वो वार करता है तो बड़ा कमाल का होता है। शरद जोशी जी, हरिशंकर परसाई जी, रविन्द्रनाथ त्यागी जी, न जाने कितने व्यंगकार हमारे देश में जिन्होंने कमाल लिखा। तो नीरज व्यास जी, अगर हम आज की इस महफिल की शुरुआत आपसे करें तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? सौभाग्य है मेरा। आपका सौभाग्य? तो भाई आपका भी सौभाग्य और हमारा भी सौभाग्य, तो आइए हम आपके लिए कहते हैं बहुत खूब। धन्यवाद शैलेश भाई। आजकल आप देख रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार काफी गूंज रहा है जी। पहले क्या हुआ करता था पुराने समय में कि चोर काले थे और धन सफेद था। वाह, आजकल उल्टा हो गया है, धन काला हो गया है और चोर सफेद हो गया। क्या बात है, वाह वाह, सफेद पोश हो गए हैं, बहुत अच्छे। तो मुझे एक नेता की बात याद आ रही है, उसकी आत्मकथा याद आ रही है, सुना है कि बापू आपने जो बताया हमने अपनाया, आपने कहा खादी हमने पहनकर दिखा दी। वाह, देखिए नेता पालन कर रहे हैं बापू जी की आज्ञा का। आपने कहा खादी हमने पहनकर दिखा दी, आपने कहा विकास के लिए चरखा, आपने कहा कि विकास के लिए चरखा हमने सही अर्थों में परखा, चर और खा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नीरज जी, वाह 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 वाह। सही अर्थों में परखा, चर और खा, आपके सिद्धांतों को ही अपना रहे हैं और देश को ही चरखा रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, चरखा रहे हैं। बापू आपने कहा था कि रिश्वत लेना अन्याय है, आपने कहा था कि रिश्वत लेना अन्याय है। वाह बापू कितनी सुंदर राय है कि रिश्वत लेना अन्याय है। आय हाय, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई नीरज जी, बहुत अन्याय भाई, वाह वाह वाह, रिश्वत लेना वाह वाह अन्याय है, एक्स्ट्रा इनकम है और जितनी भी इनाय कम है, है। क्या बात है, बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा इनकम, बहुत बढ़िया, बहुत जितनी भी इनाय कम है, कम है। माना कि मेरा तर्क विचित्र है बापू, माना कि मेरा तर्क विचित्र है, अरे नोटों पर तो आपका ही चित्र है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत चित्र है। हम तो सुबह शाम आपके पीछे भागते हैं, हम तो सुबह शाम आपके पीछे भागते हैं, न चैन से सोते हैं न जागते हैं। क्या बात है, चैन से सोते हैं न जागते हैं, हम तो अपना सब कुछ आपको ही मानते हैं, और आप अगर पास में हो तो अपने बाप तक को नहीं पहचानते। क्या बात है भाई, वाह वाह, आप भाई बहुत बढ़िया नीरज जी, पास में बहुत अच्छे, तो अपने बाप तक को नहीं पहचानते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ साहब, कवि को आपने कवि के रूप में देखा होगा, आज एक कवि को जादूगर के रूप में देखिए साहब। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे देश में नेता लोग पेड़ लगाते हैं, और पेड़ क्यों लगाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। क्या बात है, ये नेता पेड़ इसीलिए लगाते हैं कि लोग पेड़ों से कुर्सियां बनाते हैं। वाह वाह वाह, लोग पेड़ों से कुर्सियां बनाते हैं, अगर कुर्सियां सींच कर कुर्सियां उगाई जाती तो पेड़ लगाने की नौबत नहीं आती। क्या बात है वाह भाई नीरज जी, बहुत बढ़िया पंक्ति है, अगर कुर्सियां सींच कर कुर्सियां उगाई जाती, कुर्सियां सींच कर कुर्सियां उगाई जाती तो पेड़ लगाने की नौबत नहीं आती। ये पेड़ तुम सबके होते हो, ये पेड़ तुम सबके होते हो, पर तुम्हारे पेट से पैदा हुई कुर्सियां किसी की नहीं होती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, पेट बहुत बढ़िया, पर तुम्हारे पेट से पैदा हुई कुर्सियां किसी की नहीं होती हैं। पेड़ पर बैठे आदमी और कुर्सी पर बैठे आदमी में बहुत फर्क होता है, पेड़ पर बैठे आदमी और कुर्सी पर बैठे आदमी में बहुत फर्क होता है। पेड़ पर बैठकर आदमी कालिदास हो जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, पेड़ पर बैठकर आदमी कालिदास हो जाता है और कुर्सी पर बैठकर आदमी कुर्सी का दास रह जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया नीरज जी भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया व्यंग कविता है नीरज जी, क्या बात है, ये व्यंग की ताकत होती है। आपने कुर्सियों और जब पेड़ों की बात की, मुझे एक कवि की बात याद आ रही थी, वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि कुर्सी और पेड़ में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। क्यों फर्क नहीं होता, कि पेड़ों पे उल्लू बैठा करते हैं, फिर लोग उल्लुओं को उड़ा देते हैं, उस पेड़ को काटते हैं, काट के कुर्सी बनाते हैं, उस पर फिर उल्लू बैठ जाते हैं। तो कुर्सियों के सौभाग्य में हमेशा ऐसे ही लोग लिखे हैं, लेकिन आपने ऐसा कहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो व्यंग कविता कही उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। हम चाहते हैं ऐसी कविताएं इस कार्यक्रम में सुनाई जाए ताकि आप कह सके बहुत खूब। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, कौन आएगा और क्या सुनाएगा भाई, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, ज्यादा देर का नहीं। बस मैं यूं गया
यू आया, फिर मिलकर कहते हैं ना बहुत खूब। आदाब की इस महफिल में हम हाजिर हैं फिर से लेके हमारे दोस्त कवियों और शायरों को, जो आपको सुनाएंगे ढेर सारी शानदार कविताएं, जिन्हें सुन के आप कहेंगे कि भाई वाह मजा आ गया, जिंदगी हो तो इस तरह की हो। भाई आपकी जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए मैं हूं, ये है बहुत खूब है, शायरी है, कविताएं हैं, तो फिर देर किस बात की। मैं चाहता हूं महेंद्र अजनबी यहां और अपनी हास्य कविताएं सुनाएं, हम जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी को प्रणाम जी। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं जी। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूं। मुझे भूतों के बारे में एक घटना ध्यान आ रही है सर जी, जी। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है, उसके पास जाके बोला भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी बोला भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी जी, वो तो वहां खड़े खड़े ही मर लिया हो। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। ओहो। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। डरावनी कविता है, पहले माहौल बनाना पड़ता है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। ओहो क्या माहौल है भाई, वाह। शैलेश जी डर गए क्या? नहीं मैं बिल्कुल हाँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ नॉर्मल रहने की। नहीं डरे तो आप डरोगे। अच्छा। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइन है भाई, वाह महेंद्र बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे। आपस में बतिया रहे थे आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे, पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तू तक तू तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 बहुत अच्छा महेंद्र बहुत बढ़िया। दूसरा भूत बोला नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या, क्या आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। वाह 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 बहुत अच्छा महेंद्र बहुत बढ़िया। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं फालतू फंड में डरूं। दूसरा भूत बोला नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूँ आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब ना आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाई बहुत अच्छे। आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब ना, मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूँ और कहता हूँ बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला अबे ये कल रात ही शहरों कर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया। क्या बात है, वाह वाह वाह। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। हाय हाय बहुत बढ़िया बहुत अच्छा महेंद्र बहुत अच्छे। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। गोल गोल अबे अबे वहां पे सफेद फक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे। क्या बात है, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगे। क्या बात है भाई महेंद्र बहुत अच्छे भाई बहुत बढ़िया। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे, और याद रख अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। आए हाय भाई बहुत बढ़िया है। अरे महेंद्र बहुत अच्छी लाइन है भाई बहुत बढ़िया। और याद रख अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा, वहां अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो, सुनाइए पहले एक नेता था हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है, रोजाना संसद भवन में चला जाता और किसी खाली कुर्सी पे जाके बैठ जाता, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला ये जरूर नेता रहा होगा नो डाउट,
पर विपक्ष का रहा होगा क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट वॉकआउट क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला बे नेता तो नेता है, जो खाकी वर्दी वाले हैं ना इनसे भी बच के रहियो, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे, फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे और उसे फोड़ेंगे, अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला रे आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। हाय 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 हाय, उनका बड़ा योगदान है। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला भैया रात बहुत हो गई है अब सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डराओ। हाय हाय, कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, दो बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका। एक वरिष्ठ भूत बोला बे डरपोक जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान है, जहाँ आबाद शमशान और कब्रिस्तान है, जहाँ आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। क्या तो बात है, सबसे भी ज्यादा भाई बहुत अच्छा। हाँ महेंद्र जी बहुत खूब बहुत बढ़िया कविता सुनाई, बहुत सार्थक कविता सुनाई आपने महेंद्र जी। कहा जाता है कि भूत है या नहीं इस दुनिया में पता नहीं, और शायद इसीलिए लोग ये भी कहते हैं खुदा है या नहीं पता नहीं, ना तो किसी ने खुदा देखा है ना किसी ने भूत देखा। तब मुझे दो शेर याद आते हैं किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है, वो कहते हैं कि वो पेशरौ है मगर रास्ता नहीं देता, वो पेशरौ है मगर रास्ता नहीं देता, बुजुर्ग हो के भी देखो दुआ नहीं देता, बुजुर्ग हो के भी देखो दुआ नहीं देता, किसी किसी को थमाता है चाबियां घर की, खुदा हर किसी को अपना पता नहीं देता। और जब खुदा हर किसी को अपना पता नहीं देता, लेकिन खुदा उन्हें अपना पता जरूर देता है जिन्हें शायरी और कविता की समझ देता है, और वो कविताएं लिख के खुदा के आसपास ही रहते हैं साहब, क्योंकि उसकी आमद होती है तो ये लिखते हैं, ये लिखते हैं तो आपको सुनाते हैं, आपको सुनाते हैं तो आप कहते हैं बहुत खूब। बहुत खूब की इस महफिल में मैं फिर से लौट आया हूं आपको एक बहुत शानदार गजल सुनाने के लिए और खुद भी सुनने के लिए। हमारे साथ हैं जलीस शेरवानी जी, जो जलीस जी का एक परिचय और है, जो अच्छे शायर हैं, फिल्मी लेखक, उसके अलावा फिल्म राइटर्स एसोसिएशन जो एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है उसके अध्यक्ष, बहुत बढ़िया लिखते ही है। तो अच्छी गजल और अच्छी शायरी के श्रोताओं के लिए आज हमारी ये सौगात है जलीस शेरवानी के रूप में। तो आइए जलीस भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश भाई। सबसे पहले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ जिससे मैं शुरुआत करता हूँ। जी सर। कि बचपन में मेरी माँ ने बड़ा काम कर दिया, बचपन में मेरी माँ ने बड़ा काम कर दिया, बचपन में मेरी माँ ने बड़ा काम कर दिया, दिल से गुरूर छीन कर इखलास भर दिया। वाह 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 वाह, दिल से गुरूर छीन के इखलास भर दिया। बचपन में मेरी माँ ने बड़ा काम कर दिया, दिल से गुरूर छीन कर इखलास भर दिया। एक मतलब एक शेर और सुनाना जी चाहता हूँ आपको, कि मैंने जाना है मोहब्बत के असर में होना, मैंने जाना है मैंने हाँ। मैंने जाना है मोहब्बत के असर में होना, जैसे टूटी हुई किरचों का जिगर में होना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैंने जाना है मोहब्बत के असर में होना, जैसे टूटी हुई किरचों का जिगर में होना, किरचों का जिगर में होना। और शेर समाज फरमाइए कि थक के दो चार घड़ी चैन से बैठा हूं अभी। आहा, थक के दो चार घड़ी, थक के दो चार घड़ी चैन से बैठा हूं अभी, ऐ मेरे दर्द ठहर होना सफर में होना। क्या बात है, वाह 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 वाह, ऐ मेरे दर्द, ऐ मेरे दर्द ठहर होना होना सफर में होना। एक गजल के चंद अशार सुनाता हूं आपको, कि वो अच्छी तरह जानता है मुझे, वो अच्छी तरह जानता है मुझे जो अनजान बनकर मिला है मुझे। आय हाय आय हाय, बहुत वो अच्छी तरह जानता है मुझे जो अनजान बनकर मिला है मुझे, जो अनजान बनकर मिला है मुझे। और शैलेश भाई शेर सुनिए जी, कि उसे सोचते ही गजल हो गई। आय हाय, उसे सोचते ही गजल हो गई, उसे सोचते ही गजल हो गई,
वो लफ्जों में आकर मिला है मुझे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, उसे सोचते ही वाह वाह गजल हो गई। वो लफ्जों में आकर मिला है वो मुझे। लफ्जों में आकर मिला है मुझे। और जलीस को सुनिए कि मैं बेबाक हूँ और हमेशा से था। मैं बेबाक हूँ और हमेशा से था। मैं बेबाक हूँ और हमेशा से था। यूं हैरत से क्या देखता है मुझे। आए हाय भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं बेबाक हूँ और हमेशा से था। और हमेशा से था। हैरत से क्या देखता है मुझे। यूं हैरत से क्या देखता है मुझे। और मेरे लहजे की बेजा शिकायत न कर। मेरे लहजे की बेजा शिकायत न कर। ये लहजा तो तूने दिया है मुझे। हाय हाय क्या बात है। मेरे लहजे की बेजा शिकायत न कर। ये लहजा तो तूने दिया है मुझे। और अक्स मेरा ही उसकी निगाहों में है। अक्स मेरा ही, अक्स मेरा ही उसकी निगाहों में है। वो यूं टूट कर चाहता है मुझे। हाय 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 भाई, बहुत बढ़िया जलीस भाई। अक्स मेरा ही उसकी निगाहों में है। वो यूं टूट कर चाहता है मुझे। अब सुकूनत नहीं उसके दिल में मेरी। अब सुकूनत नहीं, अब मैं नहीं रहता उसके। अब सुकूनत नहीं उसके दिल में मेरी। यूं जालिम ने बेघर किया है। आय हाय आय हाय, यूं जालिम ने बेघर किया है मुझे। यूं जालिम ने बेघर किया है मुझे। और शेर सुनिए कि नहीं बेसबब रोज की हिचकियां। नहीं बेसबब रोज की हिचकियां। नहीं बेसबब रोज की हिचकियां। कहीं तो कोई सोचता है मुझे। भाई वाह वाह, कहीं तो कोई सोचता भाई, क्या बात है जलीस भाई, बहुत कहीं तो कोई सोचता है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वाह वाह जलीस भाई, क्या बात है भाई जलीस भाई, वाह 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 वाह। ऐसे ही शेर हम चाहते हैं कि सारे देश को हम सुनाए। बहुत बहुत बड़े, मैं एक बार आप तीनों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने कमाल किया है। नीरज जी, महेंद्र भाई, जलीस भाई, बहुत बढ़िया। जाते जाते मुझे दो तीन शेर याद आते हैं। जफर इकबाल जफर साहब के, वो कहते हैं कि कलम सच्ची स्याही चाहता है। कलम सच्ची स्याही चाहता है कि हर मुनसिफ गवाही चाहता है। कलम सच्ची स्याही चाहता है कि हर मुनसिफ गवाही चाहता है। फकीरी में जन्म उसका हुआ है, फकीरी में जन्म उसका हुआ है, मगर वो बादशाह ही चाहता है। हम सारे लोग भले ही फकीरी में जन्मे हो, लेकिन हम अपने आप को बादशाह समझते हैं, चाहते नहीं है, क्योंकि बादशाह हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास ताकत है कविताओं की, हमारे पास ताकत है शेरों की, हमारे पास ताकत है लफ्जों की, गजलों की, और हमारे पास ताकत है आपके प्यार की। और जिसके पास इतनी ताकत हो वो खुद को बादशाह क्यों ना समझे। बहुत खूब।